नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में वर्ब के डिफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह भी देखा था कि फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत हम कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है एक्चुअली। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम दो कॉलम बना रहे हैं, वन साइड फाइनाइट वर्ब का और सेकंड साइड नॉन फाइनाइट, ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो एक्चुअली फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए। ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए वही फाइनाइट वर्ब होता है, और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ना बदले, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इसको हम लिख देते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब होगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा सीखा जाना ये एक ग्रामर के लैंग्वेज से समझा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट वर्ब एक नेता, मान लो यह एक नेता होता है हमेशा, जो समय के साथ अपनी पार्टी बदल लेगा, जी बिल्कुल। और ये जो नॉन फाइनाइट होता है वो होता है एक सैनिक। अब सैनिक बॉर्डर पे बिल्कुल अडिग रहने का, डटे रहने का, जमे रहने का, कुछ भी हो जाए, कोई आए जाए, लेकिन वहां पे रहने का, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मौसम हो, बर्फ पड़े, नो फर्क। यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं हम और समझते हैं, ही वांट्स टू गो होम। अब देखो जी, इस सेंटेंस में दो वर्ब है, वांट्स और टू गो, ओके। मान लो हमने यहां पे सब्जेक्ट चेंज किया, ही की जगह पर आई किया, तो ये सेंटेंस बनेगा आई वांट टू गो होम। समझो जी, यहां पे जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया ये नेता अपना पार्टी बदलता, वांट से बन गया वांट, लेकिन सैनिक वही का वही रहता, टू गो है तो दूसरे सेंटेंस में भी टू गो है। अच्छा, पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बात हो रही है, लेकिन मान लो इसको हम टेंस में परिवर्तन करते हैं, पास्ट में करते हैं। ये हमने कर दिया ही वांटेड टू गो होम। समझो, ये प्रेजेंट में था सेंटेंस, लेकिन इसके टेंस में हमने परिवर्तन किया, यानी कि इसको हम पास्ट में ले गए, तो ये पास्ट में ले जाने पर बन जाता है ही वांटेड टू गो होम। अब देखो, टेंस जैसे बदला, माहौल जैसे चला, नेता अपना पार्टी बदलता, वांट से बन गया वांटेड, लेकिन ये सैनिक टू गो ही रहा। अर्थात ये जो वांट है वो फाइनाइट वर्ब हुआ, वांट्स फाइनाइट वर्ब और वांटेड फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहां पे जो दूसरी तरफ है, ये सैनिक अपना नॉन फाइनाइट वर्ब है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सारा लाइक्स टू जंप, इस सेंटेंस में भी दो वर्ब का प्रयोग हुआ है, लाइक्स और दूसरा
टू जंप। अब यहां पे देखिएगा जो वर्ड जंप है वो एक वर्ब है और वर्ब से पहले टू का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे हमें यह चीज भी मालूम है कि ये टू प्लस वर्ब लगने से वो इन्फिनिटिव का सेंस बन जाता है, तो टू जंप एक इन्फिनिटिव के फॉर्म में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से टू जंप एक वर्ब ही है। सारा इसमें सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर कोई और दूसरा सब्जेक्ट चेंज करें तो क्या सेंटेंस होगा? देखिए, मान लीजिए सारा की जगह पर हम दे का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो दे के अनुसार हो जाएगा दे लाइक टू जंप। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ वैसे ही लाइक्स से बन गया लाइक, लेकिन टू जंप पहले वाले सेंटेंस में भी वैसे ही था और इस वाले सेंटेंस में भी टू जंप है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसको टेंस में परिवर्तन करके। पहला सेंटेंस आपका जो है वो प्रेजेंट में है, सारा लाइक्स टू जंप। यदि हम इसको पास्ट में लिखें तो कैसे होगा? सारा लाइक्ड टू जंप। अब ये देखिएगा सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे टेंस जैसे ही बदला वैसे यहाँ पे लाइक्स से हो गया लाइक्ड, लेकिन फिर भी टू जंप अपने जगह पर सेम टू सेम रहा है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वह सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है, लेकिन नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, या हम कहें सब्जेक्ट और टेंस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।